गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांग्या एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने सारे के सारे चैप्टर को एक बार समराइज करके फिर से समझ लिया था, मतलब कि मैंने उसको फिर से आपको एक बार दोहरा दिया था, राइट? तो अब हम क्या करने वाले हैं? इसी रिवीजन का क्वेश्चन आंसर हम फिर से रिवाइज करेंगे, राइट? अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था पूरी की पूरी कहानी, पहले डीप में समझाई थी, फिर रिवीजन में मैंने शॉर्ट में समराइज करके समझाया, राइट? तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। जब के टेक्स्ट बुक के पीछे जब चैप्टर कंप्लीट होता है तब अभ्यास करके दिया गया होता है ना बच्चों, वो हम समझने वाले हैं, राइट? तो बस बच्चों, उसमें क्या करना है, चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज को आपको अच्छे से सुनना है। ध्यान से सुनोगे तो रीड भी नहीं करना पड़ेगा बच्चों, अब सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको जब से याद रह जाएंगे, राइट? तो बच्चों, बोलने की बारी और लिखने की बारी। वन, चैप्टर नंबर वन, प्रार्थना। प्रार्थना वाला चैप्टर हमने पढ़ा था ना बच्चों, मैंने रिवीजन में भी आपको एक बार एक्सप्लेन किया था, राइट? तो उसका पहला क्वेश्चन है बोलने की बारी का, हमारे मार्ग को प्रकाशित करने वाला कौन है बच्चों? कौन है हमारे मार्ग को कौन प्रकाशित करता है बच्चों? जबकि अंतर्यामी, मतलब के भगवान, राइट? अंतर्यामी नो मतलब थाय कि जे लोग अपना मन की बात जानी लेता हो, कहवा अंतर्यामी। तो अपना मन की बात तो कौन जानी सकते हो? एक तो अपना मम्मी पप्पा और एक तो भगवान। तो भगवान ने अंतर्यामी कीधा है बाड़को अँ के अपना मार्ग ने अंतर्यामी प्रकाशित करशे। मन के दुर्विचार दूर होने पर क्या होगा? क्या होगा बच्चों? मन के दुर्विचार जब दूर हो जाएंगे तो हमारा मन एकदम स्वच्छ हो जाएगा, राइट? तो हम भगवान से भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान हमारे मन के सारे तुच्छ विचार हटा दो, सारे दुर्विचार दूर कर दो, ताकि हम केवल आपसे ही प्रेरित हो। जब हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं ना बच्चों, तब हम उल्टे सीधे लोगों की कॉपी करने लगते हैं बच्चों, कि जो लोग गंदे होते हैं, जो चोर होते हैं, तो हम उसके साथ रहने लगते हैं ना बच्चों, तो हमारे मन में भी उसके जैसे ख्याल आने लगते हैं, हम भी उसके जैसा सोचने लगते हैं। पर हम भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान हमारे मन के सारे दुर्विचार दूर कर दो, ताकि हम किसी ऐसे वैसे आदमी से प्रेरित ना हो, मतलब कि आपने कोई एवं जेवा तेवा माणसों थी प्रेरणा ना लई, पण भगवान अमारा मनमांथी बधा खराब विचारों दूर करी दियो, जेटला माटे के अमे तमारथी प्रेरित थई शकीए, राइट? तो आपणा मनमांथी दुर्विचार दूर थशे तो आपणे ભગવાન પાસેથી જ પ્રેરણા લેશું કે ભગવાને એના જીવનમાં શું શું કામ કર્યું હતું, કે રામ ભગવાન હતા એ કેવું એનું આદર્શ જીવન હતું, કૃષ્ણ ભગવાનનું જીવન પણ કેટલું આદર્શવાળું હતું, રાઈટ? તો આપણે ભગવાનના જીવનમાંથી પ્રેરણા લેવાની છે, રામાયણના પ્રસંગોમાંથી, મહાભારતના પ્રસંગોમાંથી, પછી આપણે બીજા ઘણા બધા મહાપુરુષોના જીવનમાંથી આપણે ઘણી બધી વસ્તુની શીખ લઈ શકશું। ક્યારે? કે આપણા મનમાંથી જ્યારે દુર્વિચાર દૂર થઈ જશે ત્યારે। ઈશ્વર હમારે માર્ગદર્શક હો એસા ક્યો કહા ગયા હૈ બચ્ચો? હમ ઈશ્વર સે ક્યો કહેતે કે આપ હમારે માર્ગદર્શક બનો? ક્યોંકિ હમ ઇસ જગત મેં ઈશ્વર કો હી અપના બંધુ માનતે હૈ, મતલબ કે ભાઈ ઓર મિત્ર, તુમ હી બંધુ હો, તુમ હી પિતા હો, તુમ હી માર્ગદર્શક જીવન કે, મતલબ કે હમારે જીવન મેં ભગવાન આપ થી હમારે બંધુ, મતલબ કે હમારે ભાઈ હો, હમારે પિતા હો, હમારે મિત્ર હો। તો હમે કહા ગયા હૈ બચ્ચો કે આપકો ક્યા કરના હૈ, કે હમે ભગવાન આપ કેવલ હમે માર્ગદર્શન દેતે રહે, ક્યોંકિ આપ હી હમારે જીવન કે માર્ગદર્શન હો, માર્ગદર્શક હો, મતલબ કે બાળકો આપણને કોઈ કોઈ વ્યક્તિ કંઈક કંઈક ગાઈડન્સ આપતું જ હોય છે, તો આપણે ભગવાનને પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભગવાન મને સાચા રસ્તા પર ચાલવાની હંમેશા શીખ આપજો, રાઈટ? તો બચ્ચો
ये था हमारा क्वेश्चन राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर दो मतलब कि लिखने की बारी। ईश्वर से पथ आलोकित करने के लिए क्यों प्रार्थना की गई है बच्चों? ताकि हमारा मार्ग कैसा हो जाए, स्वच्छ हो जाए, हमें सुपर प्रकाश मिले मतलब कि हमारे जीवन में नए प्रकाश की रोशनी आ जाए राइट। चेतन से कवि का संकेत किन की ओर है? चेतन से चेतन का मतलब पहला तो चेतन नो मतलब शू थाय? चेतन एटले के सजीव, जे लोको बोली सके छे, हाली चाली सके छे, उठी सके छे, बेसी सके छे, हालू चालू उठू बधी क्रिया करी सकता होय एने कहेवाय सजीव। तो चेतन तो सजीव अने जड तो निर्जीव। आ वस्तु बे वस्तुनो ये तफावत याद राखजो बाळको। आ बे एकदम बीजाना विलोम शब्द थया, जड तो चेतन, जड एटले निर्जीव अने चेतन एटले सजीव। तो चेतन से कवि का संकेत किन की ओर है? चेतन एटले सजीव तो संकेत पण आपणी बाजु ज थयो ने, के एनो जवाब एम आवे बाळको कि चेतन से कवि का संकेत मनुष्य की ओर है राइट। पछी एम पूछाय के चेतन नो अर्थ शू थाय? तो तमारे लखवानुं सजीव। पछी एम पूछाय के जड नो अर्थ शू थाय? तो मारे लखवानुं निर्जीव राइट। आ तो आवडी जवानुं छे बाळको तमने। शक्ति और आलोक जीवन में उतार कर हमें क्या लाभ होगा बच्चों? हमें ये लाभ होगा कि हम केवल भगवान से ही प्रेरित होंगे ना, तो हमारा जीवन भी बिल्कुल प्रकाशमय हो जाएगा राइट। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर बड़े वाले हैं तो आपको सिलेबस में से पढ़ने होंगे, पर उसका सारांश आपको दिमाग में क्लियर होगा ना, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखना बेहद आसान हो जाएगा बच्चों राइट। इस कविता का मुख्य भाव एक अनुच्छेद में लिखिए बच्चों। ये क्वेश्चन आंसर आपको जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था ना वो आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला था और आपको तो एमसीक्यू टाइप ही आएगा राइट, तो वो नहीं आएगा। फिर सही उत्तर चुनकर राइट का चिन्ह लगाना है, वो आएगा ही क्योंकि ये तो एमसीक्यू है ना बच्चों। कवि स्वस्थ दृष्टि की मांग क्यों करता है? तो सबको एक नज़र से देखने के लिए कवि स्वच्छ दृष्टि की मांग करता है। हम तन मन में उतार ले, उसका अर्थ क्या होता है कि ईश्वर की शक्ति और प्रकाश को हमें हमारे तन और मन में उतार लेना है। फिर दिया गया है यहाँ पे भाषा संसार में दो दो शब्द स्वयं बनाओ, वो नहीं आएगा। फिर तीन तीन शब्द बनाओ, वो भी नहीं आएगा। पढ़िए समझिए, वो भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या बच्चों? सीधा क्वेश्चन नंबर 5, विशेषण और संज्ञा का मिलान कीजिए, मतलब कि वो छोड़का जोड़ो वाला जो पॉइंट दिया गया है ना, वो आपको एग्जाम में आ सकता है बच्चों। ये नहीं बोल रही हूँ कि आएगा ही राइट। शुभ्र तो प्रकाश, मतलब कि बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ोगे तो सारे के सारे आ ही जाएंगे। शुभ्र तो प्रकाश, स्वच्छ तो दृष्टि। यहाँ पे विशेषण दिया गया है और यहाँ पे कोई नाम दिया गया है राइट। तो विशेषण और संज्ञा के शब्द को सही से मिलाना है आपको। शुभ्र तो प्रकाश, स्वच्छ तो दृष्टि, तुच्छ तो विचार, आलोकित तो प्रकाश राइट बच्चों। तो ये था मिलान। अब बच्चों आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कौन सा था बच्चों? हाँ वो राहुल वाला बच्चों। वो राहुल भी बिल्कुल आप लोगों के जैसा ही था, क्योंकि उन्हें भी स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो भी उसकी माँ को बोलता ही रहता था कि माँ मुझे स्टोरी सुनाओ स्टोरी सुनाओ, फिर उसकी माँ स्टोरी सुनाती है, तो वो स्टोरी हमारे चैप्टर है बच्चों राइट। कौन सी स्टोरी थी बच्चों वो? यस, वो राहुल के पिताजी के जीवन की एक घटना थी राइट बच्चों। वो तो मैंने आपको अगले वीडियो लेक्चर में बता दी थी, पर उसके क्वेश्चन आंसर भी तो लिखने पड़ेंगे ना, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना कि आपको ये स्टोरी कितनी याद रही राइट। तो अभी तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर खुद ही बोल दूंगी, पर ऐसा में आपको लिखना है राइट। तो चैप्टर नंबर 2 सच्चा न्याय, उसका अभ्यास हम देखते हैं बच्चों। कि बोलने की बारी का पहला क्वेश्चन कि राहुल माँ से जिद क्यों कर रहा था बच्चों? क्यों कर रहा था राहुल? अपनी माँ से कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था कि आज उसका बड़ा जी कर रहा था कि वो कोई कहानी सुने राइट।
फिर दूसरा हंस किस प्रकार घायल हो गया था बच्चों? हंस बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके शरीर से खून बह रहा था, राइट? न्यायाधीश ने न्याय करते हुए क्या कहा बच्चों? तो न्यायाधीश ने न्याय करते हुए कहा कि मैं नहीं तय करूंगा, पर यह हंस ही तय करेगा कि किसके साथ जाना चाहता है, राइट? इसके ऊपर किसका अधिकार है? यह हंस ही तय करेगा कि वो सिद्धार्थ के पास जाए या देवदत्त के पास जाए, वही तय करेगा। फिर लिखने की बारी का क्वेश्चन आंसर आता है बच्चों। उसमें पहला क्वेश्चन है कि यशोधरा ने राहुल को किसके जीवन के संबंधित कहानी सुनाई? किसके जीवन के संबंधित कहानी सुनाई थी बच्चों? यस, उसके पिता के जीवन की। मतलब कि उसके पिता कौन था बच्चों? यस, उसके पिता का नाम था सिद्धार्थ। उसके चचेरे भाई का नाम था देवदत्त। किसका चचेरा भाई बच्चों? यस, उसके पिता का चचेरा भाई। मतलब के अपने काका बाबा ने छोकरा कहे ने, एवी ज रीतना सिद्धार्थ ना काका ना छोकरा नु नाम हतु देवदत्त। तो ई राहुल ना काका थिया, राइट? तो राहुल ना मम्मी नु नाम शू हतु बाळको? यशोधरा, राइट? मम्मी नु नाम यशोधरा, पप्पा नु नाम सिद्धार्थ अने काका नु नाम देवदत्त, राइट? યાદ રહી ગયું ને બાળકો? અને કહાની સાંભળવા માટેની જીત કરે છે બાળકનું નામ શું હતું? યસ, રાહુલ, રાઈટ? દેવદંતને હંસકો ક્યો મારા થા બચ્ચો? દેવદંતને હંસકો શોક કે લીએ ઓર શિકાર કરને કે લીએ હંસકો મારા થા, મતલબ કે ઉસકો શિકાર કરને કા શોક થા, ઉસકો શિકાર કરના થા, હંસકો મારના થા, રાઈટ? તો ઉસને હંસ કા शिकार किया। देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों न्यायालय क्यों गए बच्चों? आप तो आपको तो याद ही है बच्चों कि दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया था। वो बोल रहा था कि हंस को मैंने मारा तो हंस मेरा हुआ, इस पर मेरा अधिकार है। तो सिद्धार्थ बोल रहा था कि जान बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। तो दोनों में बात बढ़ गई, दोनों में बहस होने लगी, तो दोनों को न्यायालय जाना पड़ा, राइट? अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। हंस सिद्धार्थ को क्यों मिला बच्चों? क्यों मिला था हंस सिद्धार्थ को? क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई थी, और जान बचाने वाला तो मारने वाले से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि उसका महत्व बढ़ जाता है, वो बड़ा होता है। जान बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, और उसने हंस की जान बचाई थी, तो हंस सिद्धार्थ को मिला, राइट? बच्चों याद रखना, सिद्धार्थ ने हंस को नहीं मारा था, देवदत्त ने मारा था और उसको शिकार करके नीचे गिरा दिया था। फिर भी उस पर हक जता रहा था कि हंस मुझे चाहिए, पर ये तो जायज नहीं था बच्चों। हंस तो उसी को मिलेगा जिसने हंस की जान बचाई। हंस की जान सिद्धार्थ ने बचाई थी, तो हंस उसी को ही मिला, राइट? अब आता है सही उत्तर चुनकर राइट का चिन्ह लगाना है बच्चों। पहला है, मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन आंसर में बीच बीच में बोला ही था, सारे फैमिली का नाम बोल दिया था। चार लोग तो है बच्चों, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्यादा पर्सन तो आते नहीं, तो आपको सबको नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राहुल के पिताजी का नाम, आप आंखें बंद कर दो ना तो भी आपको आ ही जाएगा, सिद्धार्थ आएगा, राइट? कल उसकी रक्षा किसने की थी बच्चों? किसने की थी? सिद्धार्थ ने ही की थी। राहुल के पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था, उसने ही हंस की जान बचाई थी और उसको ही हंस मिलता है। तीनों क्वेश्चन में सिद्धार्थ ही आएंगे आंसर, राइट? फिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों की जान बचानी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, राइट? जैसे सिद्धार्थ ने किया वैसे ही हमें करना चाहिए। कोई पशु पक्षी गिरा पड़ा हो तो हमें हमारे से बनती मेहनत करनी चाहिए, पशु के अस्पताल में फ़ोन करना चाहिए और उसको जो सारवार मिलती है वो हमें करवानी चाहिए, राइट? फिर पहला भाषा संसार आता है बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन के रूप लिखो। बहुवचन के रूप मतलब कि कोई एक चीज़ होती है तो एक से ज़्यादा चीज़ को हम बहुवचन में गिन लेते हैं,
मतलब कि एक से ज्यादा चीज बहुवचन हो जाती है, कोई एक चीज हो तो उसे एक वचन कहते हैं, दो चीज आ जाए तो बहुवचन कहते हैं, कक्षा तो कक्षा है, घटना तो घटना है, कथा तो कथा है, कहानी तो कहानियां, रानी तो रानियां, पुत्री तो पुत्रियां, राइट बच्चों। तो ये था हमारा बहुवचन का क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर टू कि लिंग बदल कर लिखिए। लिंग बदलना मतलब कि जाति को बदल कर लिखना है, मतलब कि लड़का होता है तो वहां लड़की लिखना होता है, माँ तो पिता, चाची तो चाचा, बुआ तो फूफा, ताऊ तो ताई, मतलब कि आपकी बड़ी बहन होती है ना उसको ताऊ और ताई कहते हैं, राइट। काका तो काकी, दादा तो दादी, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीन कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, कंजक्शन मतलब के संयोजन वचमा बे वाक्यों ने वचमा कया शब्द थी जोड़े छे इन्हें आपड़े लखवानो छे। आ संयोजन ना माटे तमने ऊपर ब्लैंक्स मतलब के कोष्टक आपेल हसे, एमाथी तमारे जोई जोईने आंसर लखवाना रहेशे, राइट। आवी रीते एग्जाम मां पूछाशे कि सिद्धार्थ ब्लैंक देवदत्त चचेरे भाई थे, तो सिद्धार्थ और देवदत्त चचेरे भाई थे, राइट। तो बीच में और आया तो दोनों वाक्य को जो बीच में से जोड़ता है उसे कहते हैं संयोजन, राइट। तो ये संयोजन वाली ब्लैंक्स थी, राइट बच्चों। फिर दूसरा है यह बेजुबान पक्षी उड़ नहीं सकता, ब्लैंक यह घायल है, यह बेजुबान पक्षी उड़ नहीं सकता, वो पूरा का पूरा सेंटेंस हो, यह घायल है वो भी दूसरा। पर दोनों वाक्यों को आपको ज्वाइंट करना है तो बीच में क्यों की लगाना पड़ेगा बच्चों, रीजन तो देना पड़ेगा ना, यह पक्षी उड़ नहीं सकता फिर यह घायल है तो बीच में लगाना है यह नहीं सॉरी क्योंकि, यह पक्षी उड़ नहीं सकता क्योंकि यह पक्षी घायल है, राइट। तो क्योंकि आता है बच्चों बीच में, क्योंकि से वाक्य को पूरा करते हैं, तो ये आपका आंसर हुआ। माँ आप मुझे कहानी सुनाएंगी या मेरे साथ खेलेंगी, वो पूछ रहा है कि आप कहानी सुनाऊंगी खेलूंगी, आपको या लिखना है। दो ऑप्शन देते हैं बच्चों, इंग्लिश में आप और लिखते हो, और ना मतलब थे अथवा, तो या ना मतलब पण अथवा जे थाय छे बाळको, तमे मारी साथे रमशो के मने वार्ता कहेशो, तमे चालेशो के कॉफी लेशो, गुजरातीमां आपणे के कहीए, तो अहींया आपणे हिंदीमां आपणे या कहेवानुं, आप खेलूंगी या आप कहानी सुनाऊंगी, राइट। न्यायाधीश ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, कहा पछी की इनेम कीधु के, आपने एक संयोजन नो जे एक शब्द थियो या की और या और इसलिए, ये सारे के सारे शब्द बीच में से दो वाक्य को जोड़ते हैं। फिर पांचवा है मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा इसलिए न्यायालय चलो, वो बोल रहा है देवदत्त कि मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा इसीलिए तुम न्यायालय ही चलो। तो बड़को आया था अपना संयोजन वाला वाक्यों एनी ब्लैंक होती, हवे ब्लैंक्स होती, हवे आपड़े एना पछीनो क्वेश्चन जोईए, पण ई पण सर्वनामनी ज खाली जग्या छे कि माँ पहली खाली जग्या छे कि माँ मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ, राहुल बोल रहा है पर राहुल आएगा तो वो तो संज्ञा हो जाएगी, तो नाम के बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं, मुझे तुझे उसको इसको यह यहाँ वहाँ तहाँ, ये सारे के सारे सर्वनाम में आ जाएंगे, राइट। तो माँ मुझे, मुझे क्या हुआ सर्वनाम हुआ, तो आपको लिखना है माँ मुझे कहानी सुनाओ। खाली जगह पिताजी क्या काम करते हैं, हम राहुल लिखे तो वो तो संज्ञा हो जाती है बच्चों, पर हम ऐसा लिखे कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो जो तुम्हारे हुआ वो सर्वनाम हुआ बच्चों, राइट। घायल हंस की सेवा कर सिद्धार्थ ने उसे ठीक कर दिया, किसे ठीक कर दिया, हंस भी तो लिख सकते हैं हम, पर हंस तो संज्ञा हो गई बच्चों,
तो हंस की जगह हम जो शब्द का उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि घायल हंस की सेवा सिद्धार्थ ने कर घायल हंस की सेवा कर सिद्धार्थ ने उसे ठीक कर दिया। फिर आता है घ। खाली जगह कहानी कहने की कला जानता हूँ, मैं कहानी कहने की कला जानता हूँ, तो वहाँ आएगा मैं। मुझे हंस के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो वहाँ आएगा मुझे। राइट बच्चों, तो यह था आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, उसका रिवीजन का पार्ट 1 था। राइट बच्चों, तो अब हम मिलेंगे और ये अगले वीडियो लेक्चर में हमारे 3 और चैप्टर का हम रिवाइज करने वाले हैं, हम उसका रिवीजन देखने वाले हैं। राइट बच्चों, तो तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना, टेक केयर।